और आवाम क्या हाल चाल। तो जब भी आप गमगीन हो या जब भी आप सैड हो इस कहानी को सुन लें। देखिए, एक बार एक बच्चा होता है, वो एंट्रेंस के एग्ज़ाम देता है यूनिवर्सिटी के, और बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है, और क्या होता है, वो फेल हो जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वो घर आता है, अबू उसको देखता है गुस्से में, अबू बोलता है बेटा मेरे साथ किचन चलो। बच्चा बाप के साथ किचन में चले जाता है। किचन में जब चले जाता है तो फिर अबू उसका तीन पतीले पकड़ता है, एक में वो रखता है आलू, एक में रखता है अंडे, और एक में रखता है कॉफ़ी बीन्स, और तीनों को चूल्हे पर रख देता है पकने के लिए। और चूल्हे पर जब वो पकने के लिए रख देता है तो क्या होता है कि 15 से 20 मिनट के बाद बोलता है बेटा अभी इधर आओ, अभी देख, अभी मैं आपको कुछ दिखाना है। बच्चा और गुस्से में होता है। बच्चा बोलता है कि क्या है आपके कहने का मतलब, ये तो आलू है, ये तो अंडे हैं, और ये तो कॉफ़ी बीन्स है, क्या कहना चाह रहे हो आप। तो बाप वो सारी चीज़ें निकालता है प्लेट्स में, और मतलब कह लें चीज़ों में निकालता है, और उसको रख देता है। बोलता है बेटा इसको टच करके बताओ ज़रा। बेटा आलू को टच करता है, आलू बिल्कुल नरम होता है, मैश्ड की तरह हो जाता है। अंडे को टच करता है, अंडा बहुत हार्ड होता है। कॉफ़ी बीन्स की जो कॉफ़ी होती है कप में, उसको सूंघता है, बोलता है इसको सूंघो, सूंघता है तो उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है। तो उसका बाप बोलता है कि बेटा देखो ये तीनों चीज़ें एक ही मरहले से गुजरी, एक ही जगह से गुजरी, लेकिन तीनों ने अलग अलग चीज़ें बन गई। एक चीज़ नरम बन गई, आलू नरम बन गए, अंडे सख्त बन गए, और कॉफ़ी बीन्स ने पानी को ही बदल दिया, और उन्होंने मतलब कह रहे कुछ और ही बना दिया। तो बाप बेटे को कहता है बेटा ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी और आनी भी हैं और आती रहेंगी, आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, या तो आप अंडे की तरह सख्त हो जाओ, मुश्किलों से लड़कर बहुत मजबूत हो जाओ, या तो आलू की तरह बिल्कुल नरम हो जाओ और कमज़ोर हो जाओ, टूट फूट जाओ, या तो कॉफ़ी बीन्स की तरह बहुत खूबसूरत और कह लें कि बहुत आप अपनी ज़िंदगी को ही बदल दो कॉफ़ी बीन्स की तरह, जैसे कॉफ़ी बीन्स ने पानी को बदल दिया। तो आपके पास ज़िंदगी में तीन ऑप्शन है, ईदर यू कैन बी वीक, ईदर यू कैन बी हार्ड, और ईदर यू कैन जस्ट कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता, जो मैं रेगुलरली 2-3 दिन से सुन रहा था, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, और मैंने बस इसमें वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।